अफोर्ड इट देन यू कैन गो फॉर इट. मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज सीनियर से तो कुछ मतलब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, उस क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मतलब क्यों नहीं खरीदना चाहिए. हेलो एवरीवन, आई एम नैन्सी कुमारी, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट RPGMCH. मेरा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो वेस्ट बंगाल में उपस्थित है. सबसे पहले तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत दिल से कंग्रेचुलेशन. इतना भसर होने के बाद भी आप कॉलेज ले पाए, इसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपको कंग्रेचुलेशन. अभी आप लोग कॉलेज आ रहे होंगे, बहुत सारा पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो गया होगा, तो मैं सोची कि उस समय लगता है कि क्या ले नहीं ले, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है. मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा था जब मैं आ रही थी कॉलेज. सो हेयर आई एम, लेट्स गेट स्टार्ट. मेरा ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो क्या लेके आना है कॉलेज में और दूसरा क्या लेके नहीं आना है. फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूँगी क्या लेके नहीं आना है, क्योंकि अक्सर पता नहीं इधर उधर का वीडियो देख के हम लोग रैंडम ही चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है इसका तो काम ही नहीं था, बेकार में ही ले लिए. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी बुक्स के बारे में. हाँ, बुक्स, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रहते हैं, जितने भी यूट्यूब पे जो भी बोलता है सारे बुक्स खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ये तो हम बेकार खरीद लिए, कुछ काम ही नहीं था, पूरा साल वो पढ़ा का पढ़ा ही रह जाता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई उससे होता नहीं है. इसका तीन रीजन मैं मेन रीजन मैं बताती हूँ बुक्स क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मतलब क्यों नहीं खरीदना चाहिए यानी कॉलेज जाने के बाद लो, आप पहले ही मतलब जस्ट यूट्यूब वीडियो देख के कि ये सर ने ये बोला है, ये सर ने ये बोला इसलिए ले लिया, नहीं, आप कॉलेज जाने के बाद लीजिए. तीन मेन कारण मैं आपको बताती हूँ. रीजन ये है, आप अभी कॉलेज गए नहीं है, आपको बुक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप बुक पढ़ो. आपको क्योंकि MBBS में एक ऑथर का बुक नहीं होता है, बहुत सारे ऑथर, कौन सा बुक आपको सूट करता है उस पर आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये मेरे को सूट कर रहा है. और ये इसका सॉल्यूशन एक ये है कि आप कॉलेज आने के बाद लाइब्रेरी होता है वहाँ पे आप बुक इशू करवा लो, वहाँ आपको इजीली 15 दिन का के लिए बुक मिल जाता है, उसमें आप 15 दिन में आप समझ में आ जाए कौन बुक मेरे को सूट कर रहा है कौन बुक नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ले लो. दूसरा रीजन, आप जैसे आप बिहार में एक ही यूनिवर्सिटी होता है और वेस्ट बंगाल में WBUHS यूनिवर्सिटी होती है, तो सारे यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्वेश्चन अलग अलग रहता है. तो जब तक आप कॉलेज में नहीं आओगे तो कॉलेज में एक होता है कि ये इस बुक को फॉलो करते हैं, आप समझ रहे हो, जैसे आपको एक गेस्ट पेपर होता था ना बोर्ड के टाइम पे, तो ये वाला बोर्ड इस गेस्ट पेपर को फॉलो करता है, उसी के अनुसार मतलब ये यूनिवर्सिटी वाले होते हैं. जैसे प्रॉप में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको हर बार ऐसा मतलब क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहता है जैसे कि ये किसी एक बुक से सिमिलर रहता है. तो आपको जब तक आप अपने कॉलेज में नहीं आओगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये बुक ये पैटर्न हमको फॉलो करना है, इस बुक के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है. तीसरा रीजन, आपको कोई भी बेटर सजेस्ट नहीं करता कर सकता है, सबसे बेटर सजेस्ट आपको सीनियर बोलेंगे क्योंकि वो उस सराउंडिंग में पढ़े हैं, तो सबसे बेस्ट बुक का सजेशन आपको सीनियर देंगे. सो आप पहले कॉलेज जाओ, उसमें उसके बाद अगर अगर आपको किसी स्टूडेंट को होता है कि मैं सीनियर से नहीं बोल पाती हूँ तो ठीक है, तो आप प्रोफेसर से पूछ लेना. फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी प्रोफेसर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, उनसे पूछ लो. और सीनियर से पूछने का एक फायदा यह भी है कि इसी बहाने आप इंटरेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब चीज खुद ब खुद कर लेते हैं, तो सीनियर से तो कुछ मतलब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ. सो आपको पहले सीनियर से पूछ लेना है तब जाके लेना है बुक्स. अब मैं बात करूंगी बोन सेट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट ईयर एनाटोमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होती है, तो बोन सेट एनाटोमी में जरूरत ही पड़ता है, ये तो जरूरत पड़ता ही है, लेकिन आपको लेना नहीं है अभी क्योंकि आप कॉलेज में आएंगे तो जैसे कई कॉलेज में ऐसा होता है कि बोन सेट वो खुद कॉलेज वाला ही प्रोवाइड करता है, और कई कई कॉलेज में होते हैं कि वो आपको सीनियर्स के थ्रू मिलता है, तो एक जैसे परंपरा टाइप, तो सीनियर ही देंगे आपको, तो आपको लेने का जरूरत ही नहीं है इसमें क्या. अगर आपको नहीं मेरे को तो लेना ही है पूरा बोन सेट, तो आप ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं, वो 29 के आसपास मिलता है. अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन यू कैन गो फॉर इट. मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज आने के बाद ही लो तो ज़्यादा सही रहता है. फिर
एप्रन सब मतलब सारे कॉलेज में एप्रन तो मस्ट है, जिसको आप लोग लैब कोट भी बोलते हैं। तो आपको लैब कोट अभी नहीं लेना है, क्योंकि कई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसका मतलब कॉलेज का लोगों के साथ नेम नेम लिखने के बाद प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आपका वाइट कोट सेरेमनी होगा, उसमें कई कॉलेज वाले देते हैं आपको, तो जो आप लेके जाएंगे उसमें तो कॉलेज का लोगो ना होगा ना आपका नाम होगा, तो आपको तो वो वेस्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप, तो अगर मान लीजिए वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं कॉलेज वाले तो देते नहीं हैं, या फिर सीनियर लोग नहीं देते हैं, आपको खुद से लेना होता है, तो आप वहाँ जाके ऑर्डर कर लो। बहुत सारे एप्रन मिलते हैं ऑनलाइन, सो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इतना सारा बात हो गया क्या क्या नहीं लेना है। अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे क्या क्या आपको लेके आना है कॉलेज, क्योंकि कॉलेज आने के बाद आपको ज़्यादा छुट्टी मिलेगी नहीं, फर्स्ट ईयर में बहुत कम छुट्टी मिलती है। तो आपको क्या क्या लेके आना है फर्स्ट में, पहले तो आपको आईपैड या फिर टैब, कोई भी अच्छा सा आईपैड ले लो। अभी तो मस्त ऑफर चल रहा है, तो आईपैड आप ले सकते हो, क्योंकि आपको आज नहीं ज़रूरत पड़ेगा, 2-3 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगा, बट पड़ेगा ही। कॉलेज में आईपैड के बिना तो शायद मतलब मस्ट बाई है, आपको खरीदना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में ना खरीदो, सेकेंड ईयर में खरीदना ही पड़ेगा। सो आईपैड एक हो गया। फिर आप स्टेथो ले सकते हैं। स्टेथो फर्स्ट ईयर से ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो फिजियो प्रैक्टिकल होगा, उसमें जरूरत पड़ेगा, तो आप स्टेथो ले सकते हो। स्टेथो आपको ऐसा नहीं कि मुझे तो लेटमैन का ही चाहिए तो वही लेना है, ऐसा नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो, अगर आपके पास बजट उतना नहीं है तो आप 2-3 हज़ार तक में अच्छा खासा आ जाता है, तो आप ले सकते हो। और थर्ड है वो स्थेतो हो गया, फिर स्फिग्मो मैनोमीटर हो गया, जिसको बीपी मशीन भी बोलते हैं, वो आपको फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ेगा, आप ले सकते हो। फिर एक कॉलेज बैग जो आप रोज लेके आओगे, लेके जाओगे, तो आपको वो कंपलसरी है, कॉलेज बैग अच्छा सा अच्छा वाला ले लेना। सेकेंड होगा आपका पेंसिल बॉक्स, और बहुत सारा कलरफुल पेन्स। फिर एच एन ई पेंसिल आपको मिल जाएगा, हिस्टो हिस्टो प्रैक्टिकल्स में आपको ज़रूरत पड़ता है, तो वो आप ले लेना। फिर एक अच्छा सा लंच बॉक्स ले लेना, क्योंकि बहुत बार कॉलेज में ऐसा होता है कि लंच करने का टाइम नहीं होता, बट आपको तो लंच करना पड़ेगा, सो आप लंच बॉक्स ले लेना। डाइसेक्शन किट ले सकते हैं, जिसका यूज आपको एनाटॉमी में होगा, डाइसेक्शन हॉल में, सो आप वो मस्ट बाई है, वो आप ले लेना एक डाइसेक्शन किट। हॉस्टल में गवर्नमेंट कॉलेज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एक रूम में 2-3 स्टूडेंट होते हैं, तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा। एक्सटेंशन बोर्ड जरूरत पड़ता है, जनरली जरूरत पड़ता ही है, आप एक्सटेंशन बोर्ड ले सकते हो। फिर बहुत सारा क्लोथ्स के लिए हैंगर्स, आपको कंपलसरी हैंगर्स बहुत सारा। हाँ, और कुर्ती ले लेना, 2-3 कुर्ती ले लेना। बॉयज लोग फॉर्मल शर्ट ले लेना, और शूज ले लेना फॉर्मल वाला, वो जरूरत पड़ेगा। उसके बाद गर्ल्स लोग 2-3 एथनिक ड्रेस भी ले लेना, क्योंकि कॉलेज आने के बाद अक्सर या तो आपका कोई ओरिएंटेशन होगा या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको जनरली घर तो जाना नहीं पड़ेगा, तो शायद आप एक दो सेट अच्छा वाला कपड़ा लेके आना एथनिक वेयर में। और जितने भी मतलब कॉलेज में जाने के लिए, जैसे आप हॉस्टल में रहते थे वैसे उन सब चीज़ों का ले लीजिए। ये सब चीज़ थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल हुआ होगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।